हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। आज हम लोग जेई मेन के लिए रिवीजन कोर्स करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्पेक्ट्रम में हम लोग करते क्या हैं, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट जैसे सनलाइट है, कोई भी लाइट है, कोई भी रेडिएशंस है, इसको क्या करते हैं, किसी एक इंस्ट्रूमेंट से पास करते हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसे हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ। और जो डिफरेंट वेवलेंथ हमें ऑब्जर्व किया, जो डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का पैटर्न मिलता है, दैट इज़ नॉन एज स्पेक्ट्रोग्राम और स्पेक्ट्रम। ठीक है, और ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग इसे स्टडी करते हैं, दैट इज़ नॉन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे। अब जो ये स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ये दो तरह के होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर भी हम लोग इसे दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। और जो ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, ये भी दो तरह का होता है, बैंड स्पेक्ट्रम और दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रम। तो हम लोग सारे को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये कैसे बनता है? ठीक है, जब किसी लाइट को हम लोग किसी सॉल्यूशन से या किसी एटॉमिक एटम से या किसी सॉल्यूशन से पास करते हैं, तो पास करने के बाद जो लाइट बाहर निकलता है, जब हम लोग उसे स्टडी करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से पास करके, स्पेक्ट्रोस्कोप से पास करके, उसका जो पैटर्न आता है, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ प्रिज्म लगा दिया, दैट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोप। यहाँ पे NaCl सॉल्यूशन है, इसमें हमने NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ से क्या किए, पहले वाइट लाइट को इससे पास किए, अब जो यहाँ से लाइट आया, अब ये लाइट यहाँ से क्या होगा, पास करके, अब इसका जो पैटर्न हम लोग निकालेंगे, इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसमें होगा क्या, जो NaCl सॉल्यूशन है, वो जो रेडिएशन आ रहा था, उससे कुछ रेडिएशन को, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी को आगे पास करेगा। अब ये जो प्रिज्म हम लोग लगाए हैं, तो जो यहाँ पर आएगा प्रिज्म के पास, उसे ही ये क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनेंगे, उसमें जो वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब कर लिया, वो तो यहाँ पे आएगा नहीं, मतलब उसके बदले क्या आ जाएगा, यहाँ पे डार्क स्पेस आ जाएगा। मान लिया ये लाइट आ गया, इसके बीच में क्या आ जाएगा, डार्क, फिर लाइट आ गया, फिर डार्क स्पेस, इस तरह से आ जाएगा। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, डार्क स्पेस होते हैं। और दूसरा है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है, उससे डायरेक्ट हम लोग क्या करें, इंस्ट्रूमेंट से पास कर दें, मतलब प्रिज्म से पास कर दें या स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कर दें, फिर उसका जो पैटर्न हम लोग ऑब्टेन करें, जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ और फ्रिक्वेंसी, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब उसे हम लोग किसी सोर्स NaCl सॉल्यूशन जैसे पास किया, इसमें इसे पास करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोप से पास करके जो पैटर्न ऑब्टेन होगा, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इसके बाद हमने दूसरा क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हमारा जो ये पैटर्न बना है, हमारा जो कोई पैटर्न बनेगा, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोप से पास करने के बाद जो पैटर्न बना है, वो पैटर्न अगर इस तरह से हो, मान लिया हमने वाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया, यहाँ पे प्रिज्म लगा दिया, यहाँ से वाइट लाइट पास किया, यहाँ से वाइट लाइट आया, और ये क्या करता है, प्रिज्म क्या करता है, इसे सेवन्थ कलर में डिफ्रैक्ट कर देता है। तो मान लिया वी आई बी जी वाई ओ आर,
ये वायलेट है, इंडिगो है, तो इसमें इस तरह से बनता है कि जैसे ही ये वायलेट ख़त्म होगा हमें लगेगा क्या इंडिगो इससे ही निकल रहा है, बीच में कोई डार्क स्पेस या डार्क लाइन नहीं होगा, इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। मतलब ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें वेवलेंथ क्या होते हैं, वेवलेंथ जो हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं या फ्रीक्वेंसी को, वो क्या होगा कंटिन्यूस होगा। मतलब एक वेवलेंथ ख़त्म होगा, एक कलर ख़त्म होगा, दूसरा तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा दिखेगा कि उसी से निकल रहा है, दैट इज़ नॉन एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। दूसरा है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में ऐसा नहीं होगा, जो हमारा ये सीरीज आएगा, पैटर्न आएगा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, इसमें एक आ गया, उसके बाद क्या आएगा, कोई डार्क स्पेस या डार्क लाइन आ जाएगा, उसके बाद दूसरा आएगा। मतलब दो वेवलेंथ के बीच में क्या होगा, सेपरेशन होगा, चाहे डार्क लाइन का हो चाहे डार्क स्पेस का हो। तो मतलब इसके जो पैटर्न बनेंगे कंटिन्यूस नहीं होंगे, डिस्क्रीट होंगे, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में दो टाइप्स हैं, बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हमारा जो ये पैटर्न बना है इसमें एक वेवलेंथ और दूसरे वेवलेंथ के बीच में डार्क स्पेस होता है, बैंड की तरह होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इसमें जो वेवलेंथ होता है एक लाइन के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, और एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में क्या होता है डार्क स्पेस होता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और हमें अब डिटेल में पढ़ना है लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। अब हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम देखते हैं हाइड्रोजन एटम का। लाइन स्पेक्ट्रम हम लोग एमिशन में ऑब्जर्व करेंगे अभी, और एमिशन के लिए पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड सो ऑन, इनफाइनाइट ऑर्बिट है ये, इनफाइनाइट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड इनफाइनाइट। ठीक है, अगर कहीं से भी कोई लाइन जंप करके वन में आएगा क्या होगा, रेडिएशन लूज करेगा, क्योंकि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब आता है तो एनर्जी लूज करता है, तो सर्टेन वेवलेंथ क्या होगा रिलीज होगा। तो अगर इनफाइनाइट से वन में आया तो उसका एनर्जी डिफरेंट होगा, एट से वन में आएगा तो एनर्जी डिफरेंट होगा, सेवन से वन में आएगा एनर्जी डिफरेंट होगा। मतलब एक स्पेक्ट्रम में एक जो ये बैंड बनेगा वन पे, उसमें क्या होगा डिफरेंट लाइन्स होंगे। जैसे इनफाइनाइट से वन पे आ गया एक लाइन, एट से वन पे आ गया दूसरा लाइन, सेवन से वन पे आ गया तीसरा, सिमिलरली सिक्स से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है, थर्ड से आ सकता है एंड सेकंड से आ जा सकता है। तो इसमें क्या होंगे डिफरेंट लाइंस बनेंगे, इसका वेवलेंथ अलग होगा, इसका अलग, सबका अलग अलग वेवलेंथ होगा, लेकिन ये एक ही सीरीज बनेगा, और इस सीरीज का नाम दिया है लाइमन सीरीज, इसे बोलते हैं हम लोग लाइमन सीरीज। सिमिलरली अगर कहीं से भी सेकंड पे आएगा, जैसे ये है, कहीं से भी सेकंड पे आएगा तो एक बैंड बनेगा, इसका नाम दिया गया है बामर सीरीज। सिमिलरली कहीं से भी थर्ड पे आए, इसका नाम दिया है पास्कन सीरीज। ठीक है, सिमिलरली कहीं से भी ये थर्ड हो गया, फोर्थ पे आएगा, इसका नाम दे दिया ब्रैकेट सीरीज। सिमिलरली कहीं से भी फिफ्थ पे आ सकता है, इसको आगे एक्सटेंड कर ले रहे हैं, फिफ्थ पे आ जाएगा कहीं से भी, इसको बोलते हैं लाइमन पी पास्कन ब्रैकेट पी फंड। और कहीं से भी सिक्स पे भी आ सकता है, सॉरी ये हो गया सिक्स, तो ये हो गया हम्फ्रे सीरीज। तो हमने देखा कहीं से भी अगर वन पे आए लाइमन सीरीज, फिर बामर सीरीज, पास्कन ब्रैकेट पी फंड, मतलब ये सारे एमिशन है, क्योंकि हायर से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, तो जब हायर से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी लूज करता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो इसमें अब एक जो हमने बैंड देखा, इसमें डिफरेंट लाइंस हैं, इनफाइनाइट लाइंस बनेंगे। ठीक है,
तो अब सब इसे हमने ये जो सारी सीरीज है इसे याद रखने के लिए हमने एक पैटर्न बनाया है, लो बीपी बीपी हाई, एल फॉर लाइमन, बी फॉर बामर, पी फॉर पास्कन, बी फॉर ब्रैकेट, पी फॉर पी फंड एंड एच फॉर हम्फ्रे। और ये लाइमन सीरीज अभी हमने बताया क्या होगा, अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके वन में आ जाए, मतलब N2 का वैल्यू क्या हो सकता है, इनफाइनाइट से लेके 2 तक हो सकता है, और N1 क्या होगा, 1 होगा। मतलब कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके 1 में आ जाए देन इट इज़ नोन एज लाइमन सीरीज। सिमिलरली N2 का वैल्यू क्या हो सकता है, इनफाइनाइट से लेके 3, लेकिन N1 क्या होगा, 2, देन इट इज़ नोन एज बामर सीरीज। पास्कन, N2 का वैल्यू क्या हो सकता है, इनफाइनाइट से लेके 4, लेकिन N1 क्या होगा, 3। सिमिलरली ब्रैकेट क्या होगा, N2 का वैल्यू क्या हो सकता है, इनफाइनाइट से लेके 5 तक, लेकिन N1 का वैल्यू क्या होगा, 4, मतलब कहीं से भी आए लेकिन 4 में ही आए, ठीक है। पी फंड क्या होगा, N2 का वैल्यू इनफाइनाइट से लेके 6 तक हो सकता है, लेकिन N1 का वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा। सिमिलरली हम्फ्री क्या होगा, N2 का वैल्यू इनफाइनाइट से लेके 7 तक हो सकता है, लेकिन N1 क्या होगा, 6 ही होगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा हमें और याद भी रखना होगा, इसमें जो विजिबल रे जो हम लोग अपनी आंख से देख सकते हैं वो सिर्फ बामर सीरीज में ही हो सकता है, विजिबल रे, ठीक है, ये विजिबल है। इससे जो रेडिएशन होगा ये यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेंज का होगा, बामर सीरीज में जो होगा वो विजिबल रेंज में होगा। पास्कन ये भी इंफ्रारेड का होता है, ये भी इंफ्रारेड है, ये भी इंफ्रारेड है, और हम्फ्रे का जो है ये इंफ्रारेड से भी ज़्यादा है, मतलब सिर्फ विजिबल रेंज में एक ही आएगा हमारा, कौन, बामर सीरीज। मतलब कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में आएगा तो वो विजिबल वेवलेंथ का लाइट प्रोड्यूस करेगा, एमिट करेगा। अगर लाइमन में आएगा तो यूवी रेंज का लाइट प्रोड्यूस करेगा, और बाकी सारे इंफ्रारेड या उससे ज़्यादा वेवलेंथ का लाइट प्रोड्यूस करेगा। ये हमारा लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आता है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 5 से जंप करके n इक्वल्स टू 2 में आ रहा है, मान लिया एग्जांपल के लिए 5 से जंप करके 2 में आ रहा है, तो कितना वेवलेंथ ये प्रोड्यूस कर पाएगा। तो इसे हम लोग काउंट भी कर सकते हैं जैसे इस तरह से, लेकिन उसमें टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 बाय 2, मतलब इतना वेवलेंथ का लाइट प्रोड्यूस करेगा, मतलब इतना वेवलेंथ मतलब इतने रेडिएशन प्रोड्यूस करेंगे। और डेल्टा एन क्या है, N2 - N1, मतलब हायर माइनस लोअर, तो 5 - 2 क्या हो गया, 3 × 4/2, ये कितना आ जाएगा, 6। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन 5th से जंप करके 2 में आ जाएगा तो कितने पॉसिबल वेवलेंथ्स होंगे, 6। तो ये अगर हम चाहें तो कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, 5 से 2 में आने के कितने कॉम्बिनेशन हैं, 5 से 4 में आए, 4 से 3 में, 3 से 2 में, या 5 से 3 में, 3 से 2 में, या 5 से डायरेक्ट 2 में आ जाए। इस तरह से हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन उसे करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। डेल्टा एन क्या है, जो हायर ऑर्बिट है माइनस लोअर ऑर्बिट में ऑर्बिट है, तो दोनों को मल्टी डेल्टा एन आ जाएगा, और इसका वेव हो जाएगा डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें एक तरह का क्वेश्चन बनता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 5 से जंप करके 1 में आ रहा है तो बामर सीरीज में कितने बनेंगे, इसमें सिर्फ बामर सीरीज का पूछा, और 5 से जंप करके किस में आ रहा है, 1 में, लेकिन पूछ के आ रहा है बामर सीरीज के कितने वेवलेंथ्स होंगे, बामर सीरीज के कितने वेवलेंथ्स होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बामर सीरीज में कहाँ आना चाहिए, 2 पे, तो 5 से 1, 2, 3, 4, 5, बामर सीरीज कौन है, 2, मतलब 2 पे आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 5 से डायरेक्ट आ जाए, 4 से डायरेक्ट आ जाए, 3 से डायरेक्ट आ जाए, तो कितना होगा इसका आंसर, 3। तो इसके लिए भी हम लोग डायरेक्ट बना रखे हैं फॉर्मूला, बामर सीरीज में पूछा है, मतलब N1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2, और आ कहाँ से रहा है, N2 इक्वल्स टू 5, तो इसके लिए जो नंबर ऑफ वेवलेंस होंगे क्या हो जाएगा, N2 - N1 दैट इज 5 - 2 इक्वल्स टू 3।
इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा, मतलब कहाँ जा रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें किस सीरीज का लेना है उससे मतलब है। फाइव से वन में आ रहा है हमें इससे मतलब नहीं है, हमें लेना क्या है बामर सीरीज, मतलब टू पे ही लेना है, वन से हमें कोई मतलब नहीं। तो इसमें इस तरह से दो क्वेश्चन बन सकते हैं दो तरह से। एक तो पूछ लेगा पॉसिबल कितने हैं, वेवलेंस होंगे, तो हम लोग डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस वन बाई टू लगाएंगे। और अगर पूछेगा मतलब सिर्फ एक ही सीरीज का पूछेगा तो एन टू माइनस एन वन बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं जेई मेन में इस पर एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो दोनों क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड निकालना है। तो थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड, रेड क्या है विजिबल रेंज, मतलब विजिबल का मतलब क्या है बामर सीरीज, मतलब बामर मतलब है ये तो आएगा तो टू में ही, मतलब आएगा तो टू में ही, तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें फाइव में डाला इसमें वन में डाला, कहीं से भी टू में आएगा। अब थर्ड लाइन है, ठीक है पहले पूरा बना लेते हैं, मतलब मान लिया ये इन्फाइनाइट है, इन्फाइनाइट से भी टू में भी आ सकता है, ठीक है ये सारे बामर सीरीज के होंगे थ्री फोर फाइव, ठीक है। अब हमारे पास क्या बोला है फ्रॉम रेड एंड, तो रेड रेड का वेवलेंथ क्या होता है विजिबल में सबसे ज़्यादा, विवग्यूर रेड का सबसे ज़्यादा है, और वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा, तो एनर्जी ई इक्वल्स टू क्या होता है एच सी वाई लैम्डा, तो वेवलेंथ ज़्यादा है मतलब एनर्जी कम होगा, तो जिधर से कम एनर्जी है उधर से देखना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट से टू में आएगा तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज करेगा, अब सबसे कम एनर्जी क्या होगा जब थ्री से टू में आएगा, तो फर्स्ट लाइन ये हो जाएगा, सेकंड लाइन ये हो जाएगा, और थर्ड लाइन ये होगा, फर्स्ट ये सेकंड ये और ये थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन क्या हुआ ये कौन सा है फाइव से टू में, मतलब हमारा आंसर होगा फिफ्थ से टू में आएगा, तो ये क्या होगा थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड, क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है तो हमें कम एनर्जी की तरफ से थर्ड देखना है, ठीक है। अब इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आता है जिसमें वेवलेंथ निकालने के लिए देता है, तो होता क्या है जब हम लोग मान लिया N2 से N1 में जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, N2 से N1 में आ रहा है तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा डेल्टा E, क्या होगा E ऑफ N2 माइनस E ऑफ N1, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N, क्या लिया है हमने N2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है डेल्टा ई, मतलब एनर्जी ही रिलीज कर रहा है, एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं एच सी बाय लेमडा, ठीक है। यहाँ पे एच भी प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, और ये सार ये क्या है कांस्टेंट है, दोनों में अगर कॉमन ले लें तो 13.6 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, और जेड स्क्वायर भी दोनों में है तो ये भी कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव में वन बाय एन वन स्क्वायर माइनस वन बाय एन टू स्क्वायर, ठीक है। अब ये 13.6 कॉमन है, जेड तो अगर एटम सेम रहेगा तो सेम ही रहेगा, एच और सी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी और स्पीड ऑफ लाइट ये भी कांस्टेंट है, तो हम लोगों के लिए पास यहाँ पे वेरिएबल क्या है लैम्डा एन वन और एन टू, तो इस टर्म में हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं वन बाय लैम्डा इक्वल्स टू क्या आएगा, ये इधर आएगा तो कॉन्स्टेंट ही हो जाएगा, जिसका नाम दिया गया आर रेडबर्ग कॉन्स्टेंट, बहुत लोग आर एच भी लिखते हैं तो हमने आर लिखा यहाँ पर आर जेड स्क्वायर वन बाय एन वन स्क्वायर माइनस वन बाय एन टू स्क्वायर, आर क्या है 13.6 डिवाइडेड बाय एच सी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में ये जो आर है इसका वैल्यू जब कैलकुलेट किया गया तो इसका वैल्यू आया 1.1 इंटू 10 रेस टू पावर 7 पर मीटर, तो इससे हम लोग किसी भी मतलब लाइट का वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, N1 इसमें क्या है N2 से N1, मतलब N2 हायर ऑर्बिट है और N1 लोअर ऑर्बिट है। तो इसी पे जेई मेन में एक क्वेश्चन आया हुआ है इनफाइनाइट से वन, मतलब इनफाइनाइट से फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है और वो जो रेडिएशन एमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ क्या होगा ये कैलकुलेट करना है, तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, वन बाय लेमडा इक्वल्स टू क्या होगा आर, आर का वैल्यू होता है 1.1 इंटू 10 रेस टू पावर 7 पर मीटर इंटू जेड स्क्वायर, अब ये हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था तो जेड का वैल्यू क्या होगा वन, तो वन का स्क्वायर वन ही हो गया इसलिए हमने इसे नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है, ठीक है। वन बाय एन वन स्क्वायर, एन वन क्या है वन का स्क्वायर माइनस वन बाय एन टू स्क्वायर, एन टू क्या है इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो गया, तो ये हो गया ये वाला टर्म जीरो हो गया तो ये वन ही बच जाएगा, तो ये हो गया वन बाय लैम्डा 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 पर मीटर। हमें निकालना क्या है वेवलेंथ, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 1 बाय 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर आ जाएगा।
अब इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं, हमारा सारा आंसर नैनोमीटर में दिया है, तो नैनोमीटर में इसे चेंज कर लेते हैं। 1.1 × 10⁻⁷ मीटर को नैनोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻⁹ नैनोमीटर आ जाएगा। तो ये आ गया, कट जाएगा, 10⁻² बचेगा ऊपर, मतलब 100/1.1 नैनोमीटर। अब इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑप्शन से देख के कर लेंगे, ये तो होगा नहीं, बहुत कम आ गया। अब 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता, 100 आता, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए क्या आएगा, 100 से कम आएगा, तो 100 से कम वाला ऑप्शन एक ही है, 91, तो ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन में हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेशन लगा के आंसर देख सकते हैं।